इंदौर के विधानसभा क्षेत्र दो में विकास यात्रा के दौरान क्षेत्रीय विधायक रमेश मेंदोला ने एक बार फिर सौगातों की झड़ी लगा दी है। विकास यात्रा के दौरान शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 23 पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इंदौर विधानसभा दो में विधायक रमेश मेंदोला के नेतृत्व में विकास यात्रा वार्ड 23 में निकाली गई, जहां विधायक रमेश मेंदोला ने दीप प्रज्वलित एवं कन्यापात पूजन कर विकास यात्रा की शुरुआत की। विकास यात्रा के दौरान विधायक ने तुलसी कॉम्प्लेक्स से सुभाष नगर तक 34 लाख से ज्यादा रुपए की लागत से बनने वाले सेंट्रल डिवाइडर का भूमि पूजन कर क्षेत्र की जनता को सौगात दी। विकास यात्रा के दौरान परदेसीपुरा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में गर्भवती माताओं बहनों को पोषण आहार के पैकेट वितरित किए गए एवं आंगनवाड़ी एडॉप्शन के तहत प्राप्त राशि से आंगनवाड़ी केंद्रों को अलमारी, कुर्सी, टेबल एवं बच्चों की खेल सामग्री सौंपी गई, जिसके बाद कोली मोहल्ला स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में विधायक पहुंचे और बच्चों को प्रतिदिन दिए जाने वाले पोषण आहार को विधायक मेंदोला ने अपने हाथों से नन्हे मुन्ने बच्चों को खिलाया एवं बच्चों संग स्वयं ने भी भोजन किया। विकास यात्रा के दौरान वार्ड 23 की जनता को संबोधित करते हुए विधायक मेंदोला ने शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताते हुए हितग्राहियों को लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना, आयुष्मान योजना के 100 से अधिक स्वीकृति प्रमाण पत्र हितग्राहियों को भेंट किए। पार्टी की सरकार बने तब से इस क्षेत्र में पूरे इंदौर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकास के काम हैं। ये हमारा पहले मील क्षेत्र कहलाता था, श्रमिक बस्तियाँ कहलाती थी, मजदूर इलाका कहलाता था। आज इसकी दशा दशा पूरे इंदौर में सबसे श्रेष्ठ हो, मतलब बदल गई पूरी पूरी दशा दिशा सब। पहले हमको ये अविकसित क्षेत्र कहा। इस अवसर पर मुख्य रूप से भाजपा नेता शिवांगी गुड्डा यादव, नगर महामंत्री सुधीर कोहले, मंडल अध्यक्ष राहुल चौकसे सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।